चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर, पर इस दौर से पहले एक और दौर है जो बीतकर जा चुका है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो खेल देखिए, पहली वाली जो बुक है इसकी कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है 1939 से लेकर 1945 के बीच में, यानी 1939 से लेकर 1945 के बीच में। और ये कौन सा वर्ल्ड वॉर है, पहला या दूसरा? सेकेंड। इसका मतलब अगर ये सेकेंड है तो इससे पहले एक और वर्ल्ड वॉर हो चुका है, तभी तो इसका नाम सेकेंड है। तो इसीलिए हम लोगों को एक जानकारी और होनी चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ। तो हमने ऐसे कह दिया 1914 से लेकर 1918 तक। जैसे बच्चे अपना फोन नंबर नहीं भूलते, वैसे ही ये डेट भी आपको भूलनी नहीं है, छोटी सी डेट है ऐसे आपको याद रहता है। तो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से लेकर 1918 के बीच में, दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से लेकर 1945 के बीच में। पहला वर्ल्ड वॉर सिर्फ हमारे लिए डेट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। अच्छा, वर्ल्ड वॉर का मतलब पूरी दुनिया लड़ेगी या दुनिया के ताकतवर देश लड़ेंगे? सिंपल सी बात है, कमजोर देश क्या करेंगे लड़के, और उनका प्रभाव उन पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए एक घर की लड़ाई दूसरे घर से हो जाए, तो बच्चे भी लड़ेंगे या सिर्फ बड़े बड़े लड़ेंगे? पर बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा उनका, कि भाई मेरे से बात नहीं करता, मेरी मम्मी से झगड़ा किया था, मैं पापा को मारा था, बात नहीं कर रहा था इससे। इसका मतलब लड़ेंगे ताकतवर देश, पर उनका प्रभाव छोटे देशों पर जरूर पड़ेगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया के ताकतवर देश आपस में लड़ रहे थे। अब लड़ रहे होंगे तो दो गुट बन जाएंगे, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया की जितनी भी ताकतवर कंट्री थी वो दो हिस्सों में बट गई। एक को कहते हैं मित्र राष्ट्र और एक को कहते हैं धुरी राष्ट्र। ये राष्ट्र देश को नहीं बोले, गुट का नाम है बस, इनके ग्रुप का नाम है, इनके ग्रुप का नाम है, इसे कहते हैं मित्र राष्ट्र, इसे कहते हैं धुरी राष्ट्र। अच्छा, ये दोनों गुट खाली होंगे या इसमें देश होंगे? देश होंगे। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश है? इसमें है यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस और ब्रिटेन। अब इधर कौन कौन से देश हैं? जर्मनी, जापान और इटली। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से लेकर 1918 के बीच में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से लेकर 1945 के बीच में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया के ताकतवर देश दो हिस्सों में बट चुके हैं, एक का नाम है मित्र राष्ट्र, एक का नाम है धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में चार देश हैं, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस और ब्रिटेन। धुरी राष्ट्र में तीन देश है, जर्मनी, जापान और इटली। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग यही दो चार देश शामिल थे, यानी इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पूरी दुनिया में सात ताकतवर देश हैं, चार ताकतवर देश धुरी राष्ट्र में, तीन ताकतवर देश मित्र राष्ट्र। 1939 में युद्ध शुरू हुआ, युद्ध के आरंभिक चरण में धुरी राष्ट्र हावी रहा, पर जैसे ही मित्र राष्ट्र में एंट्री हुई अमेरिका की, मित्र राष्ट्र का जो हिस्सा था, जो भाग था, ये थोड़ा सा हो गया ताकतवर। और जैसे ही मित्र राष्ट्र में अमेरिका की एंट्री हुई, यहां से साफ साफ दिख गया कि युद्ध लगातार एक पक्षीय होता जा रहा था और अमेरिका उसमें ताकतवर देश था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति कैसे हुई? तो समाप्ति इसकी हुई एक ऐतिहासिक घटना से, और ये ऐतिहासिक घटना जिस जगह हुई उस देश का नाम है जापान। ऐतिहासिक घटना क्या है? ऐतिहासिक घटना यह है कि जापान के दो शहर, एक का नाम है हिरोशिमा, एक का नाम है नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु हमले किए। परमाणु हमले क्यों किए, इसका भी बहुत बड़ा कारण है, पर किए ये आपको याद रखना है। अब किया तो कब? क्या दोनों शहर पर एक साथ हमले हुए थे? तो जवाब है नहीं। पहला हमला हुआ था 6 अगस्त 1945 को, दूसरा हमला हुआ था 9 अगस्त 1945 को। पहला हमला कहां हुआ था? पहला हमला हुआ था हिरोशिमा पर, हीरो का हम लोगों ने जीरो निकाल दिया, इतना बड़ा हमला हुआ। पहला हमला हुआ तो परमाणु बम गिराएंगे। अच्छा, परमाणु बम गिराएंगे तो बोलेंगे परमाणु बम गिरा दो, उसका कोई कोडवर्ड होगा, कोडवर्ड होगा। तो हम लोगों ने पहले परमाणु बम का नाम लिखा था लिटिल बॉय। अच्छा, अगर ये लिटिल बॉय है तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा? नाम से लग रहा है बहुत लिटिल है, पर परमाणु छोटा हो या बड़ा हो,
परमाणु तो होता ही है। दूसरा हमला हुआ 9 अगस्त 1945 को। इस बार कौन सा शहर है? इस बार है हमारे नागासाकी। अच्छा, नागासाकी में गिरा, दोबारा बोलेंगे परमाणु बम गिरा दो या कोडवर्ड होगा, इसका भी कोडवर्ड होगा, और इसके कोडवर्ड का नाम था फैटमैन। अच्छा, अब देखो फैटमैन है, मोटा आदमी है, तो इसका प्रभाव छोटा रहा होगा या बहुत बड़ा रहा होगा? इसका मतलब फैट मैन है तो बहुत फैट होगा इसके अंदर, तो इसीलिए लिटिल बॉय का प्रभाव कम, फैट मैन का प्रभाव बहुत ज्यादा। और हम ये बात जानते हैं कि दोनों का दोनों परमाणु हमला है, इसका प्रभाव कम हो या ज्यादा, पर हमारे लिहाज से ये बहुत ज्यादा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के समय जापान पर परमाणु हमला हुआ, तो जापान पूरी तरह से हो गया बर्बाद। अब जापान बर्बाद हो गया, जर्मनी और इटली भी पूरी तरह से हार गए, और इसी समय जर्मनी के बहुत बड़े शासक थे हिटलर, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गए होंगे धुरीराष्ट्र वाले, तो ये ताकतवर देश रहे होंगे या कमजोर देश रहे होंगे? कमजोर। अब ये बेचारे खत्म, जीते कौन से लोग? मित्र राष्ट्र। पर इंटरेस्टिंग बात ये है, इसमें जो लोग जीते हैं उनमें से भी कुछ लोग हार गए हैं, और उनमें से दो देश है, एक का नाम है फ्रांस और एक का नाम है ब्रिटेन। अच्छा, ये फ्रांस ब्रिटेन जीते हैं तो हम इन्हें हारा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि ये युद्ध इनकी जमीन पर हुआ था, और युद्ध जिसकी भी जमीन पर होता है उसको होता है सबसे ज्यादा नुकसान। इसके लिए हम लोगों ने आपको बहुत पहली बार समझा भी रखा था कि अगर आपको कोई मारने के लिए आपके घर में घुस जाए और आपके घर में होला झगड़ा, आपने उसका सर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, मार पीट के भगा भी दिया, तो भी नुकसान आपका ही ज्यादा है, क्योंकि आपने सिर्फ उसका हाथ पैर तोड़ा है, उसने आपका फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, ग्लास, चम्मच सब तोड़ दिया होगा। इसका मतलब आप जीते हैं पर फिर भी नुकसान आपका ज्यादा ही होगा, क्योंकि युद्ध आपकी जमीन पर हुआ है। इसीलिए ब्रिटेन और फ्रांस जीत कर भी नुकसान में रहे। तो अब एक बात समझिए, यहीं पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था तो दुनिया में 7 बड़े बड़े देश थे, और जब खत्म हो रहा है तो ये 7 बचे हैं या सिर्फ 2 बचे हैं? क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस की जमीन पर युद्ध हुआ तो ये ऐसे ही हार गए, ये तो हारे ही हैं, इनका क्या ही होगा, बचा कौन? तो केवल 2, एक यूएसए ए और एक यूएसएसआर। यहां से जितनी भी आपको बात बताइए, इसमें क्वेश्चन कहां कहां है? क्वेश्चन यहां है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितने गुट बने थे? 2, मित्रराष्ट्र और धुरीराष्ट्र। जापान किस गुट का हिस्सा था? ब्रिटेन किस गुट का हिस्सा था? अमेरिका किस गुट का हिस्सा था? मित्रराष्ट्र। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के परिणाम में कौन सा गुट जीता? मित्रराष्ट्र। और कौन सा गुट हार गया? धुरीराष्ट्र। जापान के 2 शहर कौन से थे जिन पर हमला हुआ था? और नागासाकी। हिरोशिमा पर जो बम गिराया था उसका कोड नेम क्या था? और नागासाकी पर फैटमैन। एक का 6 अगस्त 1945, एक का 9 अगस्त 1945। अच्छा, सेकंड वर्ल्ड खत्म होते होते ही बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई कि दुनिया में 7 महाशक्ति नहीं, सिर्फ 2 महाशक्ति है, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। इसका मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही अब एक वॉर और शुरू होने की संभावना है, जो है यूएसए और यूएसएसआर के बीच। और अब ये तय करना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है, इन दोनों में से किसकी पूरी दुनिया पर कब्जा होगा, किसका शासन चलेगा पूरी दुनिया पर। और अब अमेरिका कहेगा मेरा शासन, ये कहेगा मेरा शासन, दोनों का शासन एक साथ तो नहीं चल सकता, या तो अमेरिका जीतेगा या तो यूएसएसआर जीतेगा। और इन दोनों के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति रही, इसी को हम लोग कहते हैं शीत युद्ध का दौर।